What's going on guys? क्या हालचाल आप लोगों के? आपका स्वागत है भाई वापस से स्कैरी टीचर 3D के अंदर। मतलब आज भी हम उस बुढ़िया को बहुत परेशान करने वाले हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने एर्चरी वाला मिशन किया था और आज हम लोगों को पेन इन द एक्स वाला मिशन करना है। और इस मिशन के अंदर लिखा हुआ है कि मिस्टी जो है अपना एक्स थ्रोइंग स्किल्स दिखाना चाहती है और हम लोगों को फिर से इसका काम खराब करना है सारा का सारा। तो चलते हैं, हम लोग फिर से परेशान करेंगे इस बुढ़िया को। भाई साहब क्या बात है, ये हेलमेट देखना, बड़े बड़े सींग लगे हुए इसके हेलमेट पे। और भाई क्या बात है, सही में यार ये तो मतलब, ओ भाई साहब एक्स उल्टी आई, ओ माय गॉड। अंकल ये अंकल के भाई पीछे पड़ी हुई है, अंकल को पता नहीं जिंदा छोड़ेगी कि नहीं। पता नहीं अंकल कौन है और इसका क्या लगता है, क्या इन लोगों का रिश्ता है, मेरे को नहीं पता। अभी फिलहाल हम लोग इसके घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमको करना क्या है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड अ वे टू रुइन मिस्टीज एक्स थ्रोइंग, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि जब ये वापस एक्स थ्रोइंग के लिए जाए तो इसका काम खराब हो जाए सारा का सारा। अभी ये फिलहाल बुक पढ़ रही है पता नहीं कहाँ पर, तो अभी हम लोग इसके घर के अंदर चलते हैं। बट ये आ ना जाए यार, सामने टेबल पे कुछ रखा हुआ है, क्या चीज है ये? अरे रे रे भाई भाई आ रही है, वो आ रही है, मेरे मुझे लग रहा है वो आ रही है ना। अरे आ गई भाई, देखना ले मेरे को, सीधी जा रही, जाने तो देख लियो मेरे को, भागो 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 भागो, बुढ़िया पीछे पड़ गई मेरे, भागो। अरे रे रे रे, अरे तू जा रे। तो वहाँ सामने टेबल पे भाई कुछ तो रखा हुआ था, आई डोंट नो वो क्या रखा हुआ था। अरे बाप रे, तो वापस आ रही है। अबे इसकी ऐसी की तैसी वापस क्यों आ रही है भाई, क्या लेगी तू, क्यों वापस आ रही है? मैं इसके घर पे यहाँ से एंटर कर जाऊंगा। ओके मिस्ट्री जा रही है, ये ऊपर चली जाए तो मेरा काम बन जाए। सामने कुछ रखा हुआ है और मेरे को वो देखना है भाई क्या रखा। अरे वो कौन है? अरे अंकल, यार अंकल पुलिस वाला है क्या? पुलिस वाले कैसे कपड़े पहन रखे है भाई उसने? यहाँ से सबसे पहले तो इसकी बैल को बजाते हैं ताकि ये जो है ऊपर चली जाए। ऊपर जा चुपचाप, नहीं तो पिटेगी और यहीं पे। ओके तो मिस्ट्री जो ऊपर जा रही है, अभी सही मौका है। बट यार मेरे को नहीं पता वो अंकल हमको कुछ कहेगा या फिर नहीं। अरे भाई ये मेरे को यहाँ से देखना ले यार, देख लेगी तो नीचे आ जाएगी। प्लीज देखियो मत, ये क्या चीज रखी है, पहले मैं इसको देखता हूँ क्या चीज है। आई डोंट नो क्या चीजें रखी हुई है भाई, उठा लेते हैं जो भी है। उसको भी उठा लो, उस केक को भी उठा लो। आज हम लोग मिस्ट्री पे केक फेंक के मारेंगे, ठीक है। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है, आज मैं इसको भी ट्राई करूंगा। मिस्ट्री नीचे आ रही है, अभी देखो उसके मुंह पे मैं केक मारूंगा। आ जा मिस्ट्री, वो देखो अंकल घूम रहा है। हेलो अंकल, क्या हाल चाल है, आपको केक खाना है? मिस्ट्री प्लीज नीचे आओ, प्लीज नीचे आ जाओ मिस्ट्री, अभी हम लोग आपके मुंह पे केक मारने वाले हैं। मारना कैसे, अच्छा इसे मारना है, ये फेंक फेंक। ओ भाई पड़ा उसके मुंह पे। कैसा लगा आंटी जी, कैसा लगा है मजा? अच्छा मेरे पास ये क्या चीज है भाई, ये स्प्रे लग रहा है मेरे को किसी टाइप का। तो बट यार स्प्रे का मैं क्या करूँ, वहाँ अंकल घूमने लग रहा है। चलो अंकल से पंगा लेंगे, देखते हैं अंकल हमको कुछ कह सकते हैं या फिर नहीं। हेलो अंकल, हेलो अंकल। टकले अंकल ने क्या किया भाई मेरे साथ, उसने सिर्फ इतना कहा कि आई हेट किड्स, क्यों भाई? अरे एक मिनट, मैग्नेट उसके हाथ में मैग्नेट थी, वो अंकल के हाथ में मैग्नेट थी, वो मैग्नेट से क्या कर रहा था? अरे यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है किसी की, तो भाई ये किसकी गाड़ी है? ये शायद अंकल की गाड़ी है। इसका मतलब ये है कि अंकल आंटी दोनों के नंबर के खड़ूस हैं, दोनों के दोनों में मार लगनी चाहिए। अभी आते हैं हम लोग इधर, पहले तो यहाँ पर ताला लगा है यार, ताले के लिए मेरे को वापस से की लेके आनी पड़ेगी। की नहीं मेरे को वो चाहिए, की तो मेरे को यहाँ पर मिलती ही नहीं है, मेरे को वो चाहिए उसके लिए क्या कहते हैं उसको, क्रोबार या फिर लॉकपिक चाहिए मेरे को। अच्छा यही है ना, अभी मिस्ट्री जो है वो ऊपर घूमने लग रही है, तो यही सही मौका है, हम लोग पहले इसके घर के अंदर वापस एंटर करते हैं और यहाँ से वापस से हम लोग ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं। ये आ रही है मेरे हिसाब से, नीचे आ रही है मेरे को, यहाँ से ये उठाना है, ये भी उठा लेते हैं। पता नहीं क्या किस चीज़ किस काम आने वाले हैं, बट आएंगे तो इस मिशन में ही कहीं ना कहीं काम। अरे वो आ रही है, वो आली भाई आली, भागो 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 यार, मैं बार बार इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ भाई, पड़ ली पीछे पड़ ली मेरे। ओके बुढ़िया तो गई, अंकल वापस आ गया। अरे यार आज तो अंकल आंटी दोनों के दोनों मेरी बैंड बजने वाली है। अरे यार अंकल तो कहीं चला क्यों नहीं जाता, अंकल जा रहा है वैसे, कहीं तो जा रहा है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये तो पहले नहीं था यहाँ पर, कुछ तो है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? अच्छा इसका नाम फ्रेनिक्स है। ओके और क्या करने वाला है, ऑफिस जैकेट। अच्छा तो मैंने आई थिंक इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया घर का, और अभी ये जो है अपनी जैकेट को उतारने वाला है, ठीक है। ग्रैब द की फ्रॉम फ्रेनिक्स जैकेट। ओके तो हम लोगों को उसकी जैकेट से की निकालनी है यार, मिस्ट्री आ रही है यार, ये मिस्ट्री बिना पता नहीं पीछे पड़ी रहती है। एक तो इसकी शक्ल है ही इतनी गंदी, और ऊपर से भाई ये कबूतरों जैसा घोंसला जो बना रखा है इसने सर पर, उसे देख कर तो मेरे को और इस पर खुंदस आती है। ओके मिस्ट्री जा रही है, हम लोग चलते हैं, हमको बस अंदर जाना है और अंदर से की लेके आनी है। वैसे मेरे को देखना है, मेरे को बैल बजानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पर बैठेगी। ओके भाई कहाँ जा रही है बुढ़िया, ऊपर जाना। अरे यार बुढ़िया को ऊपर भेजो कोई, ऊपर जाओ ऊपर 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 ऊपर, चुपचाप ऊपर निकल ले। आ
गुड गर्ल। ओके अभी बुढ़िया ऊपर जा रही है तो हम लोग यहाँ से इसकी जैकेट से की ले लेते हैं। ओके अभी हमको इसकी गाड़ी की मिल चुकी है तो अभी आई थिंक इसकी गाड़ी में हमको मैग्नेट मिल जाएगा क्योंकि मैग्नेट ना हमने उस कटसीन में इसके पास देखा था। ओके डिग्गी ओपन करते हैं। प्लेस द मैग्नेट इन द हेलमेट। ओ वो जो हेलमेट उसने पहन रखा था उस हेलमेट में हमको ये मैग्नेट छुपाना है। ओए होए होए ओके तो अभी हमको इसका हेलमेट ढूंढना पड़ेगा। अभी इसका हेलमेट कहाँ मिलेगा वो भी तो सोचने वाली बात है। मेरे को लग रहा है वो ऊपर कहीं तो मिलेगा। हम लोग ऊपर चलते हैं ठीक है। नीचे जा नीचे 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 जा। ओके 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 वो नीचे। चलो जल्दी जल्दी ढूंढते हैं यहाँ पर इसका कहीं हेलमेट रखा हो तो। ओके यहाँ पर काफी सारे डोर्स है यार। ये अकेली इतने बड़े घर में पता नहीं कैसे रह लेती है। मतलब घर इतना बड़ा है और ये रहने वाली अकेली है। ओके यहाँ पर मेरे को दिख गया हेलमेट। ओके पेंट द हेलमेट। ओ हो ये स्प्रे इसलिए दे रखा था ताकि हम इसको पेंट कर सके। ठीक है मैंने पेंट कर दिया लेकिन यहाँ पर और भी तो दो कलर्स हैं। अरे यहाँ पर और भी दो कलर्स हैं। मैंने पिंक पेंट कर दिया उसके ऊपर। आई डोंट नो वो पिंक पेंट से काम बन जाएगा या फिर नहीं। मतलब काम ख़राब ना हो जाए भाई मेरा। चलो कोई नहीं हम लोग अभी बाहर निकलते हैं। फिलहाल हम लोगों ने काम निपटा दिया है और अभी हम लोगों को बस तमाशा देखना है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे। अभी मिस्टी जा रही है भाई अपने हेलमेट के पास तो मैं घर के बाहर तो आ लिया आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी ये देखना है कि भाई क्या होने वाला क्या है हमारे साथ। भाई सही पेंट किया हम लोगों ने भाई। वहाँ पर रेड एंड व्हाइट पेंट भी था। ओके भाई भाग भाग मिस्टी भाग 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 भाग। ओ भाई गई गई। ओ अरे यार बच गई भाई ये। मैं तो कह रहा हूँ कर दो अंकल हंस रहा है। इसका कबूतरों जैसा घोंसला भाई कट गया। ओके भाई सच मुझ ये वाला जो प्रैंक है ना तो बहुत ज्यादा फनी था यार। मजा ही आ गया कसम से। स्पेशल चैप्टर एंड एस्ट्रैग वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है तो अभी हमको चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वापस से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड सी यू गाइस।